दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद पूरे कोटा शहर सहित पूरे देश में इसका गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे जानते हैं, बेसमेंट में अगर कोई कोचिंग सेंटर्स होते हैं, लाइब्रेरी होती है, तो कितना खतरा साबित हो सकता है सर? उसमें बेसमेंट में कोचिंग या कुछ कोई भी लाइब्रेरी क्षेत्र होने का उसका नतीजा ये है, मान लीजिए कोई बारिश का पानी है, अभी जो दिल्ली में यह हादसा हुआ है, बारिश का पानी भर जाए, इसमें सबसे ज़्यादा बेसमेंट में डर रहता है, इसमें ऑक्सीजन की भी कमी रहती है। अगर बेसमेंट में रहता है तो उसमें स्टूडेंट को पढ़ने में भी दिक्कत आती है। फिर भी कई लाइब्रेरी या कोचिंग क्षेत्र है जो ज़्यादातर बेसमेंट में होते हैं। आज अभी कोटा की ही बात करें तो कोटा के अंदर भी ऐसे काफ़ी जगह, काफ़ी लाइब्रेरी या कोई भी कोचिंग सेंटर है जो बेसमेंट के अंदर चलते हैं, जो नाले के पास या नदी के पास भी मौजूद है। अभी बात करें जवाहर नगर की, तो जवाहर नगर में भी एक लाइब्रेरी ऐसी है जो बेसमेंट के अंदर है। इसके अलावा काफ़ी सारी कोचिंग क्षेत्र है जो बेसमेंट में, इससे स्टूडेंट को काफ़ी खतरा हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन का, बारिश के पानी का। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ है जिससे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। प्रशासन क्यों ना इन पर पहले ही एक्शन ले, जब कुछ जैसे दिल्ली में हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन सख्त हुआ, क्यों ना पहले ही सख्ती बरत के इस पर एक्शन लिया जाए जिससे स्टूडेंट की जान बच सके। अभी 3 स्टूडेंट ने दिल्ली में जान गंवाई है इस चीज़ को लेकर। कितना बेसमेंट में आजकल काफ़ी कुछ बेसमेंट में बनाने लग गए, चाहे शॉप्स हों, चाहे कोचिंग सेंटर्स हों, प्राकृतिक आपदा के समय कितना खतरा इसमें हो सकता है? पहला पॉइंट तो यह है कि प्राकृतिक आपदा के समय पूरी बिल्डिंग अगर बेसमेंट में है मेन, और बेसमेंट के ऊपर का पोर्शन है, अगर कुछ भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले नीचे ही असर होगा, ऊपर से भी गिरेगी तो नीचे गिरेगी। और पहली बात तो अगर कोई भी शॉप वगैरह हो, कोचिंग सेंटर हो, या कोई भी ऐसा एनीथिंग कुछ भी खोलते हो, तो पहले पॉइंट तो ये है कि आजकल जो समय पर कमाने के चक्कर में लोग बाग उसमें अधिक से अधिक संख्या की सीटें उपलब्ध करा रहे हैं। लाइब्रेरी में जैसे यहाँ 50 की कैपेसिटी, वहाँ पर 100 बना रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा बच्चा आएगा उतना सफोकेशन बढ़ेगा, उतना वो होगा, और उससे ज़्यादा फिर वही जितना वो होता है, जैसे अभी आपने देख लिया कांड हो गया, बच्चे निकल नहीं पाए जल्दीबाजी में, इस चक्कर में ये हादसे हो जाते हैं। कमाने के चक्कर में कुछ भी लोग करते हैं, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा ना हो, जो भी हो लिमिटेड हो। हाँ, अगर चल रहा है तो नियम अनुसार जो कानून अभी कार्रवाई होगी, जो भी नियम निकले उस हिसाब से काम होना चाहिए नियम से। हादसे के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है? क्योंकि इंदौर में भी एक बार हादसा हुआ था जहां पर बिल्डिंग में आग लग गई थी, कोचिंग पढ़ रहे थे बच्चे, उसमें भी कुछ बच्चे मरे थे। कोटा में उसके बाद सर्वे चालू कर दिया गया, ये जो हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन जागा, तो हादसे के बाद ही प्रशासन का जगना आप किस तरह से देखते हैं? जी, मेरा मानना यही है कि जो प्रशासन होता है ये पहले तो इलीगल है, ये जैसे बेसमेंट में जैसे प्राकृतिक आपदा आने वाली है, मौसम ऐसा हो गया, तो पहले क्यों ना बेसमेंटों को खाली करा दिया जाए, जिससे हादसे होने की सुविधा ही ना रहे, मतलब हो ही ना, पहले से बच्चों को बचा लिया जाए। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गलतियाँ होती है, ये जो भी लाइब्रेरी वगैरह जहाँ पर भी बेसमेंट्स है वहाँ उनका पानी का निकास होना, कुछ सुविधाएं ऐसी दो ताकि एकदम कभी अचानक कुछ हो तो उसकी दुर्घटना होने से बच जाए। और प्रशासन से हमारा निवेदन है कि जो भी दुर्घटनाएं होती है उनका पहले से कुछ ना कुछ सुविधाएं निकाली जाए ताकि हादसे से बच जाए बच्चे। और कहीं ना कहीं कोटा एक ऐसा शहर है जहाँ शिक्षा नगरी है, यहाँ पे अधिक से शिक्षाएँ के लिए लाइब्रेरी बनी हुई है, बच्चे पढ़ते हैं, अधिक संख्या में यहाँ कोटा पढ़ने आ रहे हैं। तो हमने दिल्ली में हादसा देख लिया, तो वहाँ के देखते मद्देनज़र देखते हुए क्यों ना प्रशासन को पहले यहाँ चेतावनी कर देनी चाहिए बच्चों के लिए कि कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। कहीं ना कहीं बच्चे गरीब घर से आते हैं पढ़ने के लिए, सब कुछ कर रहे हैं, और उनके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना होती है तो माँ बापों को बहुत दुख होता है कि उनका बच्चा गया था पढ़ने के लिए इसे हादसे में मारा गया। तो प्रशासन से निवेदन यही है कि जल्दी से जल्दी कोटा में अलर्ट जारी कर दे, कि मौसम विभाग ने भी अलर्ट निकाल रखा है, तो हमारी तो सरकार से यही निवेदन है जल्दी से जल्दी स्टूडेंटों को, छात्र सभी को अच्छी सुविधाएं प्राप्त करवाए और बच्चों को दुर्घटना होने से पहले ही बचा लिया जाए। निश्चित तौर पर जो हादसा हुआ है वो काफ़ी दर्दनाक दिल्ली में हुआ है, प्रशासन की लापरवाही हमेशा देखने को मिलती है। बेसमेंट कितना खतरनाक हो सकता है प्राकृतिक आपदा के समय, क्या समस्या आपकी? जैसा कि अभी अपन ने दिल्ली में देखा, इतना खतरनाक था, होना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो बेसमेंट में लाइब्रेरी रखने का ऊपर बनवा लो, जरूरी नहीं है, बेसमेंट की जरूरत ही क्या है। और जब
पता था कि बारिश हो रही है, तो एक बार स्टूडेंट्स को देखना चाहिए था। उन्होंने गेट बंद कर दिया, ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना है। उनको देखना चाहिए था कि नीचे पानी जा रहा है, तो स्टूडेंट्स को निकालना चाहिए था। ये गलती है उनकी, तो कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को। तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। स्टूडेंट्स लगातार मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई किस तरह की होनी चाहिए ये भी अलग अलग तरीके बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि प्रशासन हमेशा हादसों के बाद ही क्यों जागता है, ये एक चिंता का विषय है। अगर प्रशासन पहले ही इन सब चीज़ों को देख ले, पहले सर्वे करवा ले, या पहले ही इन सब चीज़ों को देखने के बाद बेसमेंट में किस तरह की व्यवस्था है, बेसमेंट में अगर कोई चीज़ बनी हुई है, चाहे लाइब्रेरी हो, कोचिंग सेंटर्स हो, वहाँ पर व्यवस्था हादसों के समय किस तरह की हो सकती है, या हादसों के समय वहाँ पर लोग मौजूद हो तो उनको बाहर किस तरह से निकाला जा सकता है, यह है प्राथमिकता जरूर देखनी चाहिए। प्रशासन को इस पर काम करना चाहिए, सरकारों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल जो हादसा हुआ है वो काफ़ी दुखद हुआ है, इसके बाद पूरे देश में कार्रवाई शुरू कर दी गई, लेकिन सवाल यही अभी भी उठ रहा है कि कार्रवाई पहले ही हो जाती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। कैमरा पर्सन नारायण सिंह के साथ योगेंद्र महावर, पंजाब केसरी टीवी, कोटा।